बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हियर इज़ योर मैथ्स टीचर अमीर हैदर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम अनदर क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 19 एंड दीज क्वेश्चंस आर रिगार्डिंग सर्कल्स। सो वी आर डूइंग ड्राइंग सर्कल हेयर एंड वी आर कंसिडरिंग वाट अ क्वेश्चन इज सेज। सो क्वेश्चन नंबर 24 इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 24 सेज दैट के ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। एक सर्किल बनाना है 2.5 सेंटीमीटर का। ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द सर्किल। फिर उसी सर्किल पे एक पॉइंट कंसिडर करनी है, फिर उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा करना है उस सर्किल पर। यानी कि क्वेश्चन बहुत आसान है आपके पास। अब यहाँ पर सिंपली एक सर्किल बनाते हैं 2.5 सेंटीमीटर का। तो ये आपके पास स्केल। अब स्केल से सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2.5 की मेजरमेंट करेंगे कि 2.5 आपके पास यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अब ये 2.5 का आपने बनाना है सर्कल, या सिंपली क्या करें, पहले आप 2.5 का एक रेडियस बनाएं। एक ही बात है, सर्कल बनाएं या रेडियस बनाएं पहले। ये 2.5 का आपके पास रेडियस, और इसी रेडियस का आपने ये कंपास उठाया, ठीक है। इसी रेडियस का क्या उठाया आपने, ये कंपास उठाया। अगेन ये आपके पास 2.5 सेंटीमीटर का है। अब इसी पॉइंट पर आपने क्या करना है, कंपास की नीडल रख कर आपने एक सर्कल ड्रा करना है। ठीक है, ये सर्कल बना लिया आपने। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये सर्कल जो बना है आपके पास, ये 2.5 सेंटीमीटर का बना है। सर्कल जो बना है आपके पास 2.5 सेंटीमीटर का, इसके सेंटर को ओ कंसीडर किया जाता है, ओ फॉर इट्स सेंटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसी सर्कल पर आप देखें, लिखा हुआ है कि ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द सर्कल। सर्कल पे कहीं पर भी आप एक पॉइंट कंसीडर करें। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि ये पी पॉइंट है, ठीक है। आप पॉइंट इधर भी कंसीडर कर सकते हैं, आप पॉइंट यहाँ पर भी कंसीडर कर सकते हैं, आप पॉइंट इधर भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऑन द सर्किल लिखा हुआ है, तो मतलब कि सर्किल के ऊपर भी पॉइंट आपने कंसीडर करनी है। अब इसी पॉइंट से आपने एक टेंजेंट ड्रा करना है। टेंजेंट यानी कि वो लाइन जो सर्किल की सिर्फ एक पॉइंट को टच करे, वो लाइन जो सर्किल की सिर्फ और सिर्फ क्या करे, एक पॉइंट को टच करे, इस पी पॉइंट से आपने एक टेंजेंट ड्रा करना है। ये टेंजेंट लाइन जो सर्किल की किसी भी एक पॉइंट को टच करे, उसको टेंजेंट लाइन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये टेंजेंट लाइन ग्राई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं तक था। इसके अगला क्वेश्चन भी है एक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25, वो भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का एक सर्किल बनाएं। ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट पी 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब जो आपने पॉइंट कंसीडर करनी है, वो सेंटर से 6 सेंटीमीटर के फासले पर पॉइंट कंसीडर करनी है। यानी कि सबसे पहले तो आप क्या करें, 2 सेंटीमीटर का एक सर्किल बनाएं। यानी कि यहाँ पर हम 2 सेंटीमीटर का रेडियस बनाते हैं पहले। ये 2 सेंटीमीटर का रेडियस आपके पास। अब इसी 2 सेंटीमीटर के रेडियस का आपने क्या बनाना है, सर्किल बनाना है। तो इस कंपास को आप 2 सेंटीमीटर का बनाएं। यहाँ पर कंपास की नीडल पुट करके आपने क्या करना है, एक सर्किल ड्रा करना है। क्या करना है, सिंपली एक सर्किल, सॉरी ये सिंपली आपके पास एक सर्किल बना 2 सेंटीमीटर का। 2 सेंटीमीटर का एक सर्किल, सर्किल के सेंटर को अगेन आपने ओ कंसीडर किया, ठीक है। अब इसी सेंटर से 6 सेंटीमीटर के फासले पर आपने एक पॉइंट पी कंसीडर करनी है। यानी कि सेंटर से 6 सेंटीमीटर के फासले पर
अगर हम 6 सेंटीमीटर यहाँ पर कंसीडर करें, ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये पॉइंट कंसीडर की जाएगी 6 सेंटीमीटर तक यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट P है इधर। अब इसी P पॉइंट से आपने क्या करना है, एक टेंजेंट गिराना है सर्किल पर। अब आपकी मर्जी है, टेंजेंट आप इस पॉइंट से टच करवाएं, टेंजेंट या आप इस पॉइंट से टच करवाएं। तो यहाँ पर देखें, सर्किल की किसी भी एक पॉइंट को टेंजेंट टच करेगा तो भले वो ऊपर से भी टच कर सकता है, नीचे से भी टच कर सकता है, किसी भी सर्किल की एक पॉइंट को वो टेंजेंट आपका टच करे। ये टेंजेंट लाइन आपके पास, इसने क्या किया, सर्किल की किसी भी एक पॉइंट को टच किया। तो ये क्वेश्चन यहीं तक था सिंपली, आपने भी ऐसे ही ट्रा करना है। आपको अब दो ये क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25 आपको होमवर्क में है। एक्सरसाइज 19 से यही दोनों क्वेश्चन आप ऐसे ही अपनी फेयर कॉपी पर बनाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।